ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 9 जुलाई 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज की रिवाइज डेट है 26/2/1995। संगम युग उत्सव का युग है। टाइटल है मुरली का, संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता शिव, त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते हैं। बाप अभी अवतरित होते हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने के लिए। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बच्चों की बाबा के सामने सभा बैठी है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो बोल कहो वा बाप सब समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहले ही पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण मनाते क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उमंग उत्साह में रहे। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए ही है? अविनाशी है ना, इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है ना। जो गायन है आप लोग टॉपिक भी रखते हो कौन सा, अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एक ही शिव बाबा है, एकता है, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में बस एक बाप ही है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो तो बाप दादा को ये अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा सबकी एक ही है। चाहे किसी भी भाषा वाला हो, काला ताज मिला हुआ है, काला ताज मन हेडफोन, अभी यही काला ताज बदल करके गोल्डन ताज हो जाएगा। लेकिन सबके मन की भाषा एक और एक ही शब्द है, कौन सा? मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है तो उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए उमंग उत्साह, हो भी जाएगा। ये तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए, करना तो चाहिए, बोलना तो चाहिए वगैरह वगैरह। तो बाबा कहते हैं ये जो तो है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल या कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं वाह वाह कहो, लेकिन वाह वाह के बदले बच्चे क्या करते हैं? वाय वाय, क्यों क्यों कहते रहते हैं, इसलिए उत्साह कम होता है। अगर कोई भी परिस्थिति में वाय शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर भी कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था वाई शब्दों को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो कौन सा शब्द याद रखो? फ्लाई।
तो भय खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो भय शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो परिस्थिति क्या होगी। हाँ, छोटा सा खिलौना होती है, देखो जब हम वाह वाह करने लगेंगे तो परिस्थिति भी एक खिलौना लगेगी हमें। तो जब भी भाई शब्द आवे मन में तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में भाई शब्द नहीं है, लेकिन क्या है, फ्लाई, लेट अस फ्लाई बियॉन्ड द स्काई, हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी आती है, एक तरफ कहते हैं नहीं हमारे जैसा भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य और किसी का भी नहीं है, और फिर अभी अभी यह कहेंगे, और अभी अभी उमंग उत्साह कम होने के कारण क्या कहते, पता नहीं मेरा ये ऐसा भाग्य क्यों है, मेरे ही भाग्य में ऐसा इतना ही है, तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो ना, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को भी कराते हो, सभी विदेश में विशेष कोर्स तो कराओ। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बना करके, खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को करा सकते हो, दूसरों को कराना सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को, बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं, वेस्ट को बेस्ट बनाते हैं, देखा है ना क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है, आवे निगेटिव रूप में, लेकिन आप निगेटिव को पॉजिटिव रूप में बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है निगेटिव सुनना, बोलना, करना, सोचना। ये मॉडल बनाते हो ना, ना सोचो ना बोलो ना ना देखो ना करो, बंदर की ये स्टोरी सुनाते हैं ना। साइलेंस की पावर क्या निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो निगेटिव टच ही नहीं करे, सेकंड में ही परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो, मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन सकता है या टाइम लगेगा। निगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है, क्या क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा या मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच सोच करके जीना तो वो जीना नहीं है ना। आप लोग औरों को भी कहते हो राजयोग क्या है, जीवन जीने की कला है। तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, या कहने वाले हो। जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है, यही है ना, तो उत्सव मनाना, अर्थात सदा ही मौज में रहना। मन की मौज में, तन की मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो बाबा हम ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में जब आते हैं तो मौज में रहे, यह कभी कभी होता है। लेकिन बाबा कहते हैं संबंध संपर्क ही आपकी स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है तो ऐसे को क्या कहेंगे। तो ऐसे तो नहीं होना, फुल पास होने वाले होना। बाप दादा ने सुनाया जो सदा बाबा के पास रहते हैं वो पास है ही, पास नहीं रहते तो पास नहीं है। हाँ, जो बाबा के नियर है वही डियर है। तो सदा कहाँ रहते हो, दूर रहते हो या पास, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी है, मधुबन में हाई जंप लगा करके पहुँचे हैं। क्यों बाबा के, इस बार हर वर्ष से ज़्यादा डबल विदेशियों की संख्या आई हुई है मधुबन में। अच्छा, डबल विदेशियों को, कईयों को पटरानी बनने का भी चांस बहुत अच्छा मिला हुआ है। पटरानी बनने में मज़ा है या नहीं है, माना नीचे पट पे बैठ जाते हैं, चेयर्स नहीं मिलती हैं, तो बाबा के मज़ा है ना इसमें। आप लोगों की अटैची इतनी है जो उस पर सो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अटैची लेकर के फॉरेनर्स आते हैं। हाँ, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं अटैची, एक छोटी भी बैग लेके आते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ।
और जगह बच जाएगी। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियाँ घसीट घसीट करके लाते हैं, अच्छी सीन लगती है। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की ही है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी बन जाएगी। वाह, दासी हो गया, और दासियाँ भी वहाँ सतयुग में बहुत होंगी, फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं होगी। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है ना, इस समय गुप्त वेश में होना, सेवाधारी होना, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सेवाधारियों को तो सेवा करनी ही पड़ती है, सब प्रकार की सेवा करनी है। जितनी अभी तन मन धन संबंध संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी भी मिलेंगे। सबसे पहले प्रकृति पांच तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। आप राज्य भाग्य, अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितने बार राज्य अधिकारी बने, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी आपका सेवाधारी जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है। क्यों? अभी बाप और बच्चों का साथ है ना, सतयुग में तो बाबा साथ नहीं होंगे ना। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी ही मिलता है। क्या मिलता है? बाप का स्नेह, सहयोग, और बाप दादा द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं सेवा का फल। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो, तो युक्तियुक्त सेवा करते हो, तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है, तो एक तरफ सेवा करते हैं, दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ में फल खाओ, ऐसे अनुभव होता है ना। या सेवा में बड़ी मेहनत है, सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। यह हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो। क्यों हलचल में बच्चे आते हैं? सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी, वैसे ही नहीं आएगी। जिस रूप में आ चुकी है उस रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप धारण करेगी। देखो वैसे बाबा कहते हैं कि उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नहीं बात हो हुई, ये तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो, माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छी तरह से आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसे ही परिस्थिति बनकर के वो आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति में आएंगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है ना, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में भी आएगी। फिर सोचते हैं पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए बाबा कहते त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो, आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। देखो आगे पीछे और सामने, आप सभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो ना, डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हो, यस और नो? तो सब बोले हाँ जी, हाँ जी या ना जी, तो बच्चों ने जवाब दिए हाँ जी बाबा त्रिकालदर्शी है। अपनी भाषा में तो ये अच्छा बोलते हैं, सब खुश हो, आर यू हैप्पी? यस। इतने बड़े बड़े संगठन में मजा आ रहा है, अब पूछ रहे हैं क्योंकि वो तो ज़्यादा एकांत प्रिय होते हैं, शोरगुल उनको पसंद नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि इतने बड़े संगठन में मजा आता है। कोई कोई ये तो सोच नहीं रहे अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे। संगठन का मजा भी प्यारा होता है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में हम एडजस्ट कर सके। कैसे? बाबा कहते बड़े से बड़ा बन करके एडजस्ट हो जाता है। देखो एडजस्ट करने की पावर भी सदा विजयी बनाती है। ब्रह्मा बाप को देखा, बच्चों के साथ बच्चा होकर के एडजस्ट, और बड़ों के साथ बड़ा।
चाहे बेगरी लाइफ हो, चाहे साधनों की लाइफ हो, चाहे और कोई, तो दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच सोच करके नहीं, खुशी से होना। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो, कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, यह है ब्राह्मण जीवन। बाबा कहते हैं कि आप अकेले हो तो भी एडजस्ट होना चाहिए और संगठन में है तब भी एडजस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं संगठन हो और तो फिर माता ही भारी हो जाए, नहीं नहीं मुझे तो एकांत चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है, ज़्यादा लोग आते हैं तो एक रूम में ज़्यादा भाई बहनों को या बहनों को भाइयों को रख देते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि कभी कभी उनको संकल्प भी आता है कि भाई इतने लोग हैं सारे, हाँ नहीं नहीं मुझे तो अकेला ही चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं अकेला कमरा चाहिए, किसी की डिमांड ये रहती है कि मुझे अकेले को एक कमरा चाहिए, दो भी उसमें नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौत से सो, और 10 के बीच में सोना पड़े तो भी मौत से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं, यह मुश्किल है, हाँ सो सकते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया जी बाबा, हाँ जी बाबा, अभी अगले वर्ष 20-20 को एक रूम में सुलाएंगे। कंजेस्टेड होता है तो फिर सोचने लगते हैं कि भाई क्या है, लेकिन बाबा कहते हैं देखो समय बदलता रहता है और बदलता भी रहेगा, दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और होनी है, अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी, तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत ही नाजुक होती है, थोड़ा सा आवाज़ हुआ सोए हैं, थोड़ा सा किसी ने आवाज़ किया बस झट डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। यह अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है, और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, बाबा तो कहते हैं एक सेकंड का ही है पेपर, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियाँ उनके बीच में पेपर देना, इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें मेरी नेचर है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं, इसको नेचुरल नेचर, नाजुक नेचर कहा जाता है, जो ऐसे कहते हैं कि मेरी आदत ही है मैं क्या करूँ। देखो बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा दिया, जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से ज़्यादा पालना, देखो सब अनुभव कराया, जब स्टार्टिंग में सब आए थे यज्ञ में तो कैसे अनुभव कराया सभी को, राजकुमारी जैसे पालना मिली, फिर आगे चलकर के बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत तो बन गई, तो आप लोगों के आगे ऐसा समय आया नहीं है लेकिन बेगरी पाठ का, लेकिन अभी आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं, ऐसे टाइम पर क्या चाहिए, एक बाप का ही आधार चाहिए। आप लोग तो बहुत बहुत लकी हो जो आने का समय आपका सह साधनों का है, सह साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते देखते साधना को भूल नहीं जाना, क्योंकि आखिर में हमारी साधना या तपस्या ही काम में आएगी। अच्छा समझा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को, पहला हार गले में पड़ गया हमारे, यहाँ सदा हर दिन उत्साह में, उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सेकंड हार सदा स्वस्थिति और सेवा के उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, तीसरा हार गले में बाबा ने पहना दिया,
सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है संपूर्णता द्वारा, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं और गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समानी का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त रहते हैं, लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। आज का स्लोगन है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। तो ऐसे संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।